फिल्मी बातें विद अभिसार। अमर अकबर एंथनी का वो सीन बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। अमर अकबर एंथनी तीन बिछड़े हुए भाई यानी कि विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन, तीनों बिस्तर पर लेटे हुए हैं और खून दे रहे हैं और उनके हाथों से जो नली एक बॉटल की तरफ जा रही है और उस बॉटल से नली जा रही है निरुपा रॉय जो कि उनकी माँ है। तीनों नहीं जानते कि ये जो बूढ़ी औरत है वो उनकी माँ है। अमिताभ बच्चन ने इसकी शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई से कहा था कि अरे मन ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं चलेगा। मनमोहन देसाई ने उन्हें गाली देकर कहा कि चुप, तू देखना सिनेमा हॉल में क्या होने वाला है। और आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही ये सीन स्क्रीन पर आता है पूरा सिनेमा हॉल फट पड़ता है, पूरा सिनेमा हॉल फट पड़ता है। 1977 में आई थी अमर अकबर एंथनी। पुराना सिनेमा, नया स्टाइल। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार फिल्मी बातों में। मैं हूं अभिसार और आज हम बात करने वाले हैं एक क्लासिक अमर अकबर एंथनी की, जिसमें विनोद खन्ना थे, अमिताभ बच्चन थे और ऋषि कपूर, मगर फिल्म के असली स्टार थे मनमोहन देसाई जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे। और आपने अक्सर सुना होगा ना कि भाई ये फिल्म जो तुम देखने जा रहे हो ना, दिमाग पीछे छोड़कर आना। दरअसल इसकी शुरुआत इसी शख्स ने की थी यानी कि मनमोहन देसाई ने। मनमोहन देसाई की किसी भी फिल्म में कोई लॉजिक नहीं होता है, मगर वो तमाम फिल्में ऐसी फिल्में होती थी जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते थे। उसके हर सीन पर लोग ताली बजाते थे। और आज के लिए यानी कि मौजूदा दौर के लिए अमर अकबर एंथनी एक दवाई की तरह है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के जरिए सांप्रदायिक भाईचारा, कॉम्युनल एमिटी की मिसाल दी गई है। कहानी क्या थी? बहुत सिंपल थी। कहानी यह थी कि एक इंसान एक पार्क में अपने तीन बच्चों को छोड़ जाता है और वो तीनों बिछड़ जाते हैं। एक लड़के को एक हिंदू इंस्पेक्टर, एक हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ले जाता है, दूसरे को एक मुस्लिम दर्जी ले जाता है और तीसरे को एक ईसाई पादरी लेकर जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म तो 1977 में रिलीज हुई थी और उस वक्त मैं 3-4 साल का था और मुझे याद है शायद 1978 या 79 में हम जब तमाम बच्चे खेलते थे ना तो ये गाना गाया करते थे, अमर अकबर एंथनी। तो आप जानते हैं जैसे ही एंथनी पर बात आती थी यानी कि अमर अकबर एंथनी, तो जैसे ही एंथनी पर बात आती थी जितने बच्चे थे वो खुद एंथनी बोलने लगते थे, यानी कि वो चाहते थे एंथनी गोंजाल्विस बनना। इस फिल्म की दूसरी बड़ी हाईलाइट अमिताभ बच्चन, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था दोस्तों। और क्या रोल किया था, क्या रोल किया। आप जानते हैं मनमोहन देसाई को इंस्पिरेशन कहां से मिला था एंथनी गोंजाल्विस के कैरेक्टर के लिए? उनका एक पड़ोसी होता था, उसका नाम था एंथनी फर्नांडिस, और वो जिस तरह से बात करता था ना, मनमोहन देसाई ने कहा अमिताभ बच्चन से कि मैं चाहता हूं कि तुम भी बिल्कुल इसी अंदाज में बात करो, मुंबईया हिंदी में, क्योंकि ये जो मुंबईया हिंदी का अंदाज है ना, अपुन जाता है, अपुन ये करता है, ये मनमोहन देसाई को बहुत पसंद था। और अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं इस फिल्म का हाईलाइट बन गए। मैंने ही बोला हूं दोस्तों, जब फिल्म का विलन दौड़ रहा होता है और अमिताभ बच्चन जो है उसे अड़ंगी डाल देता है और फिर उनका एक डायलॉग होता है, वो डायलॉग बहुत ही फेमस था कि इतना तेज तो इंसान लाइफ में दो ही बार भागता है, पुलिस का केस हो या ओलंपिक का रेस, तुम्हारा कौन सा है भाई। और यही नहीं दोस्तों, आपको वो वाला सीन याद है, अमिताभ बच्चन विलन से बुरी तरह से पिटते हैं, बुरी तरह से पिटते हैं, और पिटने के बाद शराब पी लेते हैं। शराब पीने के बाद एक आईने के सामने जाते हैं और आईने के सामने जाकर कहते हैं, देख 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 क्या शक्ल बना ली है तूने, कितना पीटा तेरे को। और उसके बाद आईने में जो उनका रिफ्लेक्शन था ना, उसी को दवाई लगाने लगते हैं। वो जब सीन आया था सिनेमा हॉल में तो लोग हंस हंस के पागल हो गए थे।
और हां राज की बात, क्या आप जानते हैं यह सीन मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट नहीं किया? जी हां सही सुना आपने। हुआ यह था कि मनमोहन देसाई एक साथ कई फिल्में बना रहे थे, उसमें वो एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था परवरिश। इत्तेफाकन परवरिश में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों थे, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे परवरिश का एक सीन। अब ये जब सीन आया तो उसे डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं था, तो क्या आप जानते हैं इस सीन को डायरेक्ट किसने किया? द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन ने। और अमिताभ बच्चन का साथ दिया कादर खान ने, जो इस फिल्म से जुड़े हुए थे। और ऐसी ढेरों कहानियां अमर अकबर एंथनी के बारे में। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अमर अकबर एंथनी कितनी बड़ी हिट थी, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मुंबई में उसने 9 जगहों पर 9 places सिल्वर जुबली की थी, यानी कि 25 हफ्ते एक साथ लगातार चलना। और बात वहां नहीं रुकी, अभी कुछ ही दिनों पहले खुद अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था कि जितना बिजनेस अमर अकबर एंथनी ने 1977 में किया ना, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से ये देखा जाए कि अगर वो फिल्म आज रिलीज होती तो कितना कमाती, आप जानते हैं एक आंकड़े के मुताबिक उसकी कमाई बाहुबली से भी ज्यादा होती। इतना बिजनेस उस वक्त अमर अकबर एंथनी ने किया था। और अमर अकबर एंथनी में एंथनी गोंजाल्विस का, यानी कि अमिताभ बच्चन का किरदार, वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि क्या कहने, खुद अमिताभ बच्चन उस लोकप्रियता को दोहरा नहीं पाए। और अमर अकबर एंथनी पूरी तरह से एंटरटेनर थी, यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड, बिछड़ना और मिलना। एक पार्क में 3 बच्चे बिछड़ जाते हैं और अंत में जाके मिलते हैं। बाय द वे, आप जानते हैं वो जो पार्क का सीन था जिसमें प्राण जो हैं अपने 3 बच्चों को छोड़ जाते हैं और फिर वो 3 बच्चे बिछड़ जाते हैं, इसका इंस्पिरेशन मनमोहन देसाई को कहां से मिला था? मनमोहन देसाई अखबार में एक खबर पढ़ रहे थे, कहानी थी एक नशेड़ी जैक्सन की। जैक्सन ने एक दिन इतनी ज्यादा शराब पी ली कि उसने अपने 3 बच्चे पार्क में छोड़ दिए थे। यह कहानी पढ़ी थी मनमोहन देसाई ने और उन्होंने कहा कि भैया अमर अकबर एंथनी का ये जो है हाईलाइट होगा। और फिर वही चीज आपने फिल्म में भी देखी। तो जैसे मैंने कहा ना, फुल एंटरटेनर थी, इमोशंस थे, कॉमेडी थी। और इस फिल्म का हाईलाइट शानदार संगीत, एक एक गाना कोहिनूर था दोस्तों। और फिल्म के सिंगिंग सुपरस्टार्स थे किशोर कुमार और मोहम्मद रफी। किशोर दा की तो क्या बात कही जाए, याद है, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, मैं दुनिया में अकेला हूं, दिल भी है खाली, घर भी है खाली। मगर आप जानते हैं इस गाने की खास बात क्या थी? सिर्फ ये नहीं कि किशोर ने ये गाना गाया था, बल्कि इस गाने में आपको याद होगा अमिताभ बच्चन बार बार डायलॉग्स बोलते हैं, एक रैपर की तरह बहुत तेजी से बोलते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनियर इज जक्स्टपोजिशन, ला 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 ला, इतनी तेजी से बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं देखा है। उस आदमी की कॉमिक टाइमिंग, उस आदमी की भाषा के ऊपर पकड़, जिस तेजी से वो डायलॉग बोलते हैं ना, वो तभी हो सकता है जब आपकी अंग्रेजी पर पकड़ हो। यानी कि क्या कमाल का एक्टर है ना ये, अंग्रेजी पर पकड़, हिंदी पर पकड़। और ये ना भूलें, उनकी एक फिल्म आई थी मुझे याद है, लावारिस। लावारिस के अंदर वो बांग्ला, पंजाबी, उड़िया, तमाम भाषाओं में बोलते हैं। एक सीन है लावारिस में जब वो गुंडों की पिटाई करते हैं, और उस सीन में तमाम जो गुंडे होते हैं ना, वो अलग अलग भाषा के होते हैं, और वो हर गुंडे को उसकी भाषा के हिसाब से पिटाई करते हैं। और ये काम सिर्फ अमिताभ बच्चन कर सकते हैं। ये जलवा था उस आदमी का दोस्तों। और आप जानते हैं अमर अकबर एंथनी में एक सीन था जो शायद सिर्फ अमिताभ बच्चन कर सकते थे और जो आज तक सिनेमा पर कभी नहीं हुआ। एक सीन है दोस्तों कि विनोद खन्ना, जो कि इंस्पेक्टर का किरदार निभाते हैं, वो अमिताभ बच्चन के मोहल्ले में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई यहां पर कोई गुंडा आया था क्या, क्या उसकी किसी ने मदद की थी?
तो अमिताभ बच्चन पहले आनाकानी करते हैं और फिर बाद में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के बीच में जो फाइटिंग होती है ना, अमिताभ बच्चन की ऐसी धुलाई होती है कि सीक्वेंस में विनोद खन्ना को देखा जा सकता है अमिताभ को अपने कंधे पर बाहर लाते हुए। खास बात क्या है मैं आपको बताता हूं, विनोद खन्ना से इतनी पिटाई हुई मगर वो सीक्वेंस में आज तक नहीं भूला हूं। 1978 में सिनेमा हॉल में जनता इतना हंस रही थी, बेशक विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन की पिटाई की हो मगर जनता ने अमिताभ बच्चन को हाथों हाथ लिया। यह था बच्चन का जलवा अमर अकबर एंथनी में दोस्तों। यही वजह है कि एंथनी गोंजाल्विस वो अपने आप में एक ब्रांड बन गया। और यह कहा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन ने जितने भी किरदार निभाए उनमें एंथनी गोंजाल्विस की बात ही कुछ और है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अमर अकबर एंथनी एक ऐसे वक्त रिलीज हुई थी जब अमिताभ बच्चन का सितारा बुलंदी पर था। यह वो दौर था जब उनकी हर फिल्म प्लैटिनम जुबली कर रही थी। शोले, दीवार, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे, गंगा की सौगंध, त्रिशूल, डॉन, माय गुडनेस, हर फिल्म सुपरहिट, हर फिल्म एक इंस्पिरेशन। और यह खास बात थी अमिताभ बच्चन की। मगर मैं बात कर रहा था अमर अकबर एंथनी के गानों की। तो एक तरफ तो माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, फिर रफी साहब का वो गाना तो अकबर मेरा नाम नहीं है। स्टेज पर ऋषि कपूर गा रहे थे अकबर इलाहाबादी और सामने सीट्स पर नीतू कपूर बैठी हुई थी, साथ में उनकी बहनें और उनके पिता। और उस गाने के जरिए ऋषि कपूर जो हैं वो नीतू कपूर का जो कैरेक्टर है सलमा शायद उसका नाम था, उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे थे। और भीड़ में अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे उनका सपोर्ट करने। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा ना कि इस फिल्म में सांप्रदायिक सौहार्द कॉम्युनल एमिटी का मैसेज भी है। आप बताइए ना, आज के इस दौर में जहां हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा जा रहा है, अमर अकबर एंथनी से ज्यादा खूबसूरत फिल्म क्या हो सकती है? क्या फिल्म थी, क्या संदेश था। और कोई कड़वाहट नहीं, एक ऐसी फिल्म जो आप अपने पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं, अमर अकबर एंथनी एक ऐसी फिल्म थी जिसने न जाने कितने एक्टर्स को इंस्पायर किया, कितने डायरेक्टर्स को इंस्पायर किया। डेविड धवन, रोहित शेट्टी, ये सब कहते हैं कि अगर अमर अकबर एंथनी नहीं होती तो शायद हम फिल्में डायरेक्ट नहीं करते। और ये जलवा था मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन के कॉम्बिनेशन का। आप जानते हैं पर्दे के पीछे एक और दिलचस्प जानकारी है। जैसे मैंने बताया इस फिल्म में थे विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, मगर मनमोहन देसाई ने पहले अप्रोच किया था धर्मेंद्र को, यानी कि विनोद खन्ना का किरदार पहले धर्मेंद्र करना चाहते थे मगर धर्मेंद्र बहुत बिजी थे, उन्होंने मना कर दिया और फिर यह रोल मिल गया विनोद खन्ना को। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का यह आलम था इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, कि ट्रिनिडाड टोबेगो, वेस्ट इंडीज, इन तमाम जगहों पर अमिताभ बच्चन अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी पॉपुलैरिटी को आज तक ट्रिनिडाड टोबेगो, वेस्ट इंडीज में कोई पार नहीं कर पाया, यानी कि जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं। उस वक्त इन तमाम कंट्रीज में, इन तमाम देशों में इस फिल्म ने जबरदस्त व्यापार किया था, जबरदस्त बिजनेस किया था। यह थी खूबसूरती अमर अकबर एंथनी की। मनमोहन देसाई ने अमर अकबर एंथनी के जादू को दोहराने की कोशिश भी की थी और उस फिल्म का नाम था नसीब। नसीब में थे शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। दरअसल इस फिल्म में पहले विनोद खन्ना थे, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, मगर विनोद खन्ना चले गए ओशो के पास, उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था, लिहाजा ये रोल चला गया शत्रुघ्न सिन्हा को। नसीब भी एक बहुत बड़ी सुपरहिट थी मगर अमर अकबर एंथनी जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं थी। क्या कहना अमर अकबर एंथनी के बारे में दोस्तों, जैसे मैंने बताया मैंने ये फिल्म 1978 में देखी थी
और जैसे मैंने बताया 3-4 साल का था। मुझे 2 सीन्स याद हैं दोस्तों। पहला सीन जिसमें अमिताभ बच्चन एक खेत के बीच खड़े होते हैं स्केयर क्रो की तरह, वो जो खेतों में हम लगाते नहीं हैं कौओं को भगाने के लिए, तो अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं, परवीन बॉबी आकर बेहोश हो जाती हैं और गुंडे पहुंचते हैं। अमिताभ बच्चन स्केयर क्रो बनकर उनकी जो पिटाई करते हैं, जैसे मैंने बताया मैं 4-5 साल का था दोस्तों, और वो सीन देखकर उस वक्त मैं इतना हंसा था। आज भी जब मैं वो सीन टीवी पर देखता हूँ, जब वो फिल्म मैं यूट्यूब पर दोबारा देखता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल वैसे ही हंसता हूँ। अमर अकबर एंथनी मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है दोस्तों, क्योंकि अमर अकबर एंथनी बचपन की मासूम यादों का हिस्सा है। वैसी फिल्में अब नहीं बनती हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, जो आप अपने परिवार के साथ देख सकें, जो साफ सुथरी हों, और सबसे बड़ी बात जो एक बहुत खूबसूरत संदेश दें। और यही खास बात थी मनमोहन देसाई की, उनकी हर फिल्म एंटरटेनिंग होती थी, इलॉजिकल होती थी, अनसाइंटिफिक होती थी, मगर एक खूबसूरत संदेश देती थी कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है। यह खूबसूरती थी मनमोहन देसाई के डायरेक्शन की। यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी थी कि मनमोहन देसाई की जब फिल्में चलना बंद हो गई, तब उन्होंने अपनी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। वो कहते हैं ना, मनमोहन देसाई जैसे डायरेक्टर्स अब नहीं बना करते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। फिल्मी बातें विद अभिसार।